P AST preparation and reading comprehension in all languages or specifically in English language is very important in this test and finding the words meaning is many of the time even if you have a good grip over language yet you cannot guarantee that you know each and every word that uh, is going to. Uh, come up, come up in your everyday life so here in this tutorial we are going to discuss this problem that how we can uh, find its solution and how we can find the meaning of any word by using its context or the words or the sentence it whatever is in its surrounding तो चलिए आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ सकते हैं एक पैसेज को देखकर और फिर एक एग्जाम्पल को देखकर हमारे पास यहाँ पैसेज की फॉर्म में एक लाइन है और वर्ड है हमारे पास डिवोटीज इस डिवोटीज वर्ड के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें सही ऑप्शन टिक करना है तो पहला पहला सेंटेंस हम पढ़े पोल्ट्री एंड दिस कलेक्शन कॉल्ड द ऑफ़ पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम इन्फेरेंस करें इन्फेरेंस का मतलब है अंदाजा लगाना अब यहाँ अगर आप इस जुमले को गौर से देखें तो डिवोटीज़ ने क्या काम किया है उन्होंने एक काम किया है कि एक बुक बाकायदा तशकील दी है पोइट्री की यानी एक खास किस्म का काम किया है उन्होंने जिसके पीछे उनकी मोहब्बत छलकती है फिर दूसरा सेंटेंस है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि जो लोग भी हैं वो नंगे पांव चल रहे हैं नंगे पांव चलने का मतलब होता है किसी जगह की तरफ कोई खास रिस्पेक्ट शो करना अब आप आ जाए अब इससे आपके दिमाग में एक डेफिनेशन आ गई इन दोनों सेंटेंसेस को देख के देयर इज टू एक्टिविटीज एक किताब तश्कील देना दूसरा श्राइन्स की तरफ नंगे पांव सफर करना अब यहां हम देखें तो ये डेफिनेशन हमारी बहुत ज्यादा मैच करती है ऑप्शन बी के साथ फॉलोअर्स के साथ क्योंकि फॉलोअर्स इस तरह के काम करते हैं केयर टेकर या बच्चे नहीं करते चलिए एक और मिसाल देखते हैं इसे हम थोड़ा सा फिर थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं यहां वर्ड है एनसेस्ट्रल रूट्स हमें नहीं पता कि इसके क्या मायने हैं लेकिन हम ये देखें माय फैमिलीज एनसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध मींस माय पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध एग्जैक्टली इस, exactly इस वर्ड के क्या मायने हैं उसे हम इस तरह एक अंदाजा कर सकते हैं कि कोई चीज है जिसका ताल्लुक मेरी तमाम पीछे लोगों से है अब इसको हम यानी जिसमें मेरे पेरेंट्स भी हैं दादा परदादा सब हैं अब आप ऑप्शंस की तरफ आए ये आपका आइडिया जो आपके दिमाग में एक खाका बना है वो किस चीज के साथ मैच कर रहा है मैनी जनरेशन क्योंकि आप अपने बहुत सारी नस्लों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए इट्स द बेस्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट दूसरा सवाल है फिर हमारे पास द न्यू अकेडमिक ईयर कमेंसेज इन आर स्कूल इन अप्रैल कोई चीज है जो आपके स्कूल से ताल्लुक रखती है और एक और क्लू इस सेंटेंस में आपके लिए मौजूद है न्यू ईयर। अगर आप नया है ये वर्ड तो आप और दूसरा वर्ड देख लें न्यू यानी कोई नई चीज है अब इसके ऑप्शंस में आप जाएं एक बार या आप ऊपर चले जाएं पैसेज में उसको आप जाकर देखें हिस्सो Commences on 14th Safar and lasts for three days. अब commences का फिर हमें नहीं पता कि what डज इट मीन लेकिन 14th Safar अहम है उसके बाद है lasts for three days. अब हम आते हैं यहां भी हमें कोई एक खाका बना लेकिन स्टिल नॉट क्लियर अब हम आते हैं आते हैं ऑप्शंस की तरफ एंड्स तो हम एंड्स के लिए कह सकते हैं कि इट्स नॉट राइट इसलिए क्योंकि वहां क्या है? कहा गया है कि लास्ट फॉर थ्री डेज यानी तीन दिन चलता है एंड नहीं है ये Progresses, ये भी हम सही नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कहा उन्होंने एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया है फॉर सफर या ये जो हमारे पास एग्जैंपलरी सेंटेंस है जिसे हमने सॉल्व करना है उसमें यूज किया गया है इन अप्रैल यानी आपको कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया कि आप इस तरह सोचें इसलिए जो भी चीज है उसके लिए तीसरा ऑप्शन बिगिंस बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठता है कि द न्यू अकेडमिक ईयर बिगिन इन अवर स्कूल इन अप्रिल्स कम बिगिन ऑन फोर्टीन सफर एंड लास्ट फॉर थ्री डेज अब इस स्लाइड में हमारे पास जो पहला वर्ड है जिसकी हमें मायने देखने हैं कॉन्टेक्स्ट में और पैसेज को देखना है वो है यूनिवर्सल इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज यूनिवर्सल एज विदाउट ए देयर कैन बी नो हैप्पीनेस यानी समथिंग जो कि बहुत अहम है और हर किसी के लिए अहम है क्योंकि यहाँ का कहा गया है देयर कैन बी नो हैप्पीनेस यानी कहीं भी सुख नहीं होगा फिर आप पैसेज में जाएं His spiritual and mystic poetry carries a message of love, which makes it universal and acceptable to the entire human race. अब आप यहाँ देखें कि यहाँ क्या कहा गया है एंटायर ह्यूमन रेस यानी उसका जो मैसेज है वो एक ऐसी क्वालिटी रखता है जो कि पूरी उसके लिए ह्यूमन रेस पूरी इंसानियत के लिए अब आप आ जाएं एक खाका बना के दिमाग में कि कोई खास चीज है जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए अहम है अब ऑप्शन में आ जाएं। पहला ऑप्शन है गुड अच्छा अच्छा सिर्फ एक पॉजिटिव क्वालिटी है नॉट फॉर ऑल ऑप्शन सी में आ जाएं एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल भी एक कंफाइंड मीनिंग रखता है लेकिन हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हर जगह के लिए हर चीज के लिए तो ऑप्शन बी एप्लीकेबल टू ऑल in इन world यानी पूरी दुनिया के लिए अहम है और यही ऑप्शन यूनिवर्सल का सही मायने देता है दूसरा सेंटेंस है हमारे पास जिसमें हमें वर्ड फाइंड आउट करना है मिस्टिक के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां किस तरह इस्तेमाल हुआ है मेनी पीपल गो टू मिस्टिक टू आस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दियर विशेस अब हम ऊपर चलते हैं सेंटेंस को एक बार फिर देखते हैं हिज स्प्रिचुअल एंड मिस्टिक पोएट्री कैरीज अ मैसेज ऑफ लव विच मेक्स ए यूनिवर्सल एनएक्सेप्टेबल टू द एंटायर ह्यूमन रेस यानी मिस्टिक पोएट्री अब उसमें ऐसा कौन सा मैसेज है जो कि कोई खास अहमियत रखता है अब आप आ जाएं आपके दिमाग में किसी हद तक बना है कि मिस्टिक कोई ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट क्वालिटी रखती है आम चीजों से हटकर है अब ऑप्शन देखिए पर्सन हु अलोन अगर वो अल, अगर हम इस ऑप्शन को टिक करें तो वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए कैसे एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि यहां कहा गया है ऊपर मिस्टिक पोइट्री कैरी इज अ मैसेज ऑफ लव अगर अकेला रहेगा तो उसका फिर क्या असर होगा दूसरे लोगों के साथ फिर दूसरा ऑप्शन है न्यू पर्सन यानी मिस्टिक का मतलब है न्यू पर्सन अगर वो नया शख्स है तो लोग उसे कैसे जानेंगे और उसकी तरफ क्यों माइल होंगे ये ऑप्शन भी सही नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर उसी के पास लोग जा सकते हैं कि हमारी हेल्प करो या हमारी कुछ करो जिसके बारे में लोग जानते होंगे ना अकेला रहने वाला ना नया शख्स तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू तो फाइंड मिस्टेक्स मीनिंग तो आइए यहां देखते हैं यहां हमारे पास वर्ड है Restless. इसके लिए हम पहले जाते हैं पैसेज की तरफ इन यंग एज शाह एंड डिवोशन एंड रेसलेस ही टू लिव found डोमेस्टिक लाइफ ही वो सेंटेंस है या ये वो फ्रेज है जो हमें हेल्प आउट करता है कि व्हाट रियली रेसलेस पर्सन एज अब फिर हम आगे चलते हैं असल क्वेश्चन की तरफ माय ब्रदर माई ब्रॉदर पर्सन ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू मेरा भाई एक डैश पर्सन है वो नई चीजें ढूंढता है यानी अब हम एक चीज क्लियर हुई कि शाह के लिए मुश्किल था कि रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते अब यहां से हमें कुछ लग रहा है कि कोई ऐसा जो रोजमर्रा की चीज को पसंद नहीं करता और यहाँ इस भाई के लिए कहा जा रहा है कि वो रोज नई चीजों के लिए को ढूंढता है अब यहाँ हम आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ यहाँ हमारे पास ऑप्शन हैं जीनियस जीनियस जो होता है वो चीजें क्रिएट करता है उसके लिए इस तरह की चीजें नहीं होती जैसे कि यहां बताया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये यह यहां फिट नहीं बैठता ये एक मेंटल क्वालिटी है लेकिन यहां दिलीप कैफियत की बात की गई है फिर हम ऑप्शन सी की तरफ आते हैं चेंज सीकिंग यानी नई चीजों को ढूंढने वाला जबकि हमारे पास जो क्लूज दिए गए हैं उनके मुताबिक ये है कि कोई ऐसा है जो रोज मरा की चीजों के से डिफरेंट सोचता है डिफरेंट करता है इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी सही फिट बैठता है यहाँ कि इट इज राइट फॉर पर रेस्टलेस पर्सन यानी वो मुख्तलिफ है वो नई चीजें ढूंढता है और शाह बिटाई मुख्तलिफ थे कि उनके लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना काबिल अमल नहीं था अब यहाँ दूसरा हमारे पास सवाल है ट्रूली ग्रेट पर्सन डिजर्व रेवरेंस वर्ड है रेवरेंस एज द्ले पॉजिटिव रोल इन अवर लाइफ अब हम इसके मायने के लिए जाते हैं पैसेज की तरफ के ये किस तरह इस्तेमाल हुआ है ऑलवेज विल बी फॉर शाह ग्रेट पोएट्री विटाई अपने कारनामों की वजह से मोहब्बत और देश के साथ याद किए जाएंगे कोई चीज है पॉजिटिव है अब हम आ जाते हैं इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि कोई चीज पॉजिटिव है अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ के हमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है रिचनेस एंड वेल्थ यानी आप उन्हें किस तरह इज्जत क्या करें उनके लिए कि उनके लिए अः उन्हें अमीर बना दें और उन्हें दौलत दें तो ऐसा नहीं है यह हमारे पास ऑलरेडी है कि दे प्ले अ पॉजिटिव रोल यानी वो खुद किसी आ, अहमियत के हामिल हैं तो उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं फिर दूसरा है लीडरशिप पोजीशंस। तो यहाँ एक वर्ड किया यूज किया है किया गया है ट्रूली ग्रेट पर्सन इसका मतलब यह है कि वो अजीम तो ऑलरेडी हैं। आप उन्हें लीडरशिप पोजीशंस देकर उन पर कोई फर्क नहीं डालेंगे तो ये भी ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं अब ऑप्शन सी आता है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन हां ऐसा ह्यूमन बीइंग आप किसी अजीम शख्स के को यह तोहफा दे सकते हैं कि जैसे कि पैसेज में है कि शाह रिमेंबर फॉर हिज ग्रेट पोएट्री विद लव एंड रेवरेंस तो ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर रेवरेंस एक और

इससे एक चीज जो हमें पता चली जिक्र किया गया है सिंधी सेलर्स का। अगर हमें नेविगेशन का नाम भी पता हो तो हमें सेलर्स का पता होगा यकीनी तौर पर या ट्रेवल का पता होगा जिससे हमें ये अंदाजा होगा कि ये चीज जो है वो सफर से ताल्लुक रखती है और किसी अगर फॉर एग्जाम्पल सेलर्स का भी आपको नहीं पता अब अगर हम में पैसे तो वहां एक चीज हमें बताती है कि मालाबार से ताल्लुक है इस चीज़ का, और वोएजेस ये भी एक क्लू है हमारे पास वोएज जो वर्ड है वो समंदरी सफर के लिए यूज होता है यहां हमें बहुत सारे क्लू मिल गए तो वी कैन यूज दिस ऑल इंफॉर्मेशन अब इन तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखें और यहां ऑप्शन की तरफ आए पहला ऑप्शन शिप डायरेक्टिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके वॉयजेस की सेलर्स की कोस्ट की तो इट मीन्स समथिंग नेविगेशन इज कंसर्न विद दीज थिंग्स यानी उसका ताल्लुक जो है वो शिप से है ना कि इंजीनियरिंग और स्विमिंग से इसलिए स्विमिंग से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कोस्ट और वोएजेस इसलिए बोथ अदर ऑप्शन बी एंड सी आर रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्ड uh, है हमारे पास ओरल ट्रेडिशंस लेट्स सी हाउ इट इज यूज्ड फॉर मेनी सेंच्रीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक क्लू है आपके पास इसे देखें या इसे भी थोड़ा पहले चले द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कोई जरिया है तो वो कौन सा है अब हम देखते हैं पैसेज की तरफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ ए भिटाई हैज मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन यानी जो भी चीज है इट इज अम ऑफ इंफॉर्मेशन लेट सी वॉर्स इंफॉर्मेशन और हॉर्सेस का आपस में तालुक आप हॉर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते फिर दूसरा है पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाई वर्ड ऑफ माउथ ये हम सही कह सकते हैं के माउथ टू माउथ या लोगों के जरिए इंफॉर्मेशन का मिलना ये हमारे पास सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी मैसेजेस मैसेजेस किस तरह हो सकते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि शालती विटाई की जो कलेक्ट की गई है वो ओरल ट्रेडिशन से कलेक्ट की गई है मैसेजेस से नहीं क्योंकि लोग दूर दराज सफर नहीं करते थे ज़्यादा तो वही जो इर्द गिर्द लोग थे यकीनी तौर पर वहां से इंफॉर्मेशन ली गई होगी तो वो इंफॉर्मेशन लोगों की बातों से ली गई होगी उनके खतों किताबत से नहीं दैट्स वाई ऑप्शन बी पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ इज राइट ऑप्शन होप दिस ऑल टेक्निक्स ऑफ contextual understanding of any word or finding the meaning will be helpful for your test and for your life reading as well thanks for watching